Good morning, kids. So, what we will do today? Now we have completed A vowel word families. हमने A vowel के word families complete करा. हमने 4 word families किया था. Now today what we will do? We will write 10 words. हम 10 words लिखेंगे where? In our notebook. हम A sound words के 10 words अपनी notebook में लिखेंगे, ठीक है? इससे क्या होगा? इससे हमें अच्छे से notebook की practice करना और 3 letter words कैसे लिखना है हमें वो आएगा, ठीक है? So take out your notebooks and start writing with me. Okay, so in your notebook, you will take out a fresh page. New page nikaloge and on the first line, this is the first line, we will give heading. Hame heading deni hai first line pe. Kya heading deni hai? Jo hum work karne ja rahe hain, hame uska heading likhna hai. So what are we going to do? We are going to write 10 words. Hum 10 words likhenge yahan pe. A sound के, so give the heading A sound words, okay? Heading डाल दी हमने A sound words. अब can you see this line? इस line को हम बोलते हैं margin. This line is called margin. अब हमें जब 10 words लिखने हैं ना, तो उसको हम नंबर्स डाल के लिखेंगे, ओके? बट वेयर वी हैव टू राइट द नंबर्स, हमें नंबर्स कहाँ लिखने होंगे? मार्जिन के लेफ्ट साइड. मार्जिन के लेफ्ट साइड हम नंबर्स लिखेंगे और राइट साइड हमें वर्ड्स लिखने होते हैं मार्जिन के. सो द फर्स्ट वर्ड, जो हम फर्स्ट वर्ड यहाँ लिखेंगे उसका हम नंबर यहाँ डालेंगे मार्जिन के लेफ्ट साइड, और मार्जिन के राइट साइड हम वर्ड लिखेंगे, ओके? नाउ आई विल टेल यू अ वर्ड. आपको अच्छे से उस वर्ड को सुनना है और साउंड के साथ साथ समझ के हमें वो वर्ड लिखना है, ओके? सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. बहुत अलर्ट रह के आपको वो वर्ड सुनना है और साउंड ऑब्जर्व करना है. Okay, so are you all ready? Chalo. So the first word is pad. P. P. A. D. Okay, humne kya likha? P. Add. Pad. Okay, what is a pad? It can be your writing pad, okay? जिस pad पे आप लिखते हो ना, writing pad, sheet रख के जिस पे आप लिख सकते हो, that. Now, one के बाद कौन सा number डालेंगे हम? 2. So again, margin के left side हमें number 2 लिखना है. और word कहाँ लिखेंगे? Margin के right side. Now, next word is bag. Bag. B. A. G. Okay. B. A. G. Bag. Next word. 2 के बाद हम लिखेंगे अब number 3. Number 3 पे write down tag. Tag. T. A. G. T. A. G. Tag. Then after number 3, write down number 4. Number 4 pe likhenge hum dam. Dam. D. A. M. D. A. M.
dam. Okay. Now, number 5. Number 5 पे लिखेंगे हम man. Man. M. A. N. Man. M. An. Man. Man मतलब आदमी. नंबर 5 के बाद हमने लिखा नंबर 6. नंबर 6 पे लिखोगे पैन. प ए न पैन. प एन पैन. पैन क्या होता है? पैन वो कढ़ाई होती है जिसमें आपकी मम्मा कुक करती हैं, उसको हम पैन बोलेंगे. आफ्टर नंबर 6 क्या नंबर डालूँ मैं? क्या यहाँ पर 10 लिखूँ? नो. नंबर 6 के बाद क्या आता है? 7. सो वी विल राइट डाउन 7. एंड ऑन नंबर 7 वी विल राइट डाउन नैप. नैप. न एप. नैप. न एप. Nap. Then number 8. Number 8 पे लिखेंगे हम bat. और अच्छा, nap मतलब क्या होता है? What is the meaning of nap? Nap means झपकी लेना या फिर छोटी सी नींद लेना. ठीक है. Now on number 8 write down bat. B A bat. Then number 9 write down mat. M a t mat. M a t mat. Mat kya hota hai? Mat chatai ko bolte hain. Mat. Next number 10. नंबर 10 पे लिखोगे कैट. कैट. क. कैट. क. देन ए और ट. हमें क, हमें क लिखना है. कैट क. काइट क नहीं लिखना हमें, कैट क लिखना है. सो क एट कैट. ओके. सो यू विल डू दिस वर्क वेरी नीट एंड क्लीन एंड से द साउंड ऑफ द लेटर ऑल्सो. साउंड का लेटर बोल बोल के समझ समझ के हमें लिखना है. ओके. थैंक यू. ओके. सो आफ्टर डूइंग वर्क इन योर नोटबुक व्हाट यू हैव टू डू, यू विल टेक आउट शीट नंबर 11. व्हिच शीट? शीट नंबर 11. एंड दिस शीट यू विल ट्राई योरसेल्फ. ये शीट आपको खुद से करना है. कैसे करना है ये आपको? लेट्स रीड द क्वेश्चन. प्लीज रीड द वर्ड्स गिवन. दीज आर द वर्ड्स. ओके. ये आपको रीड करना है वर्ड्स एंड फिट देम इन द क्रॉसवर्ड. इन वर्ड्स को आपको रीड करना है और ये जो क्रॉसवर्ड दे रखा है ना नीचे, इसमें आपको फिट करना है. ओके. बिलो एज पर द गिवन पिक्चर क्लूज. ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, अक्रॉस एंड डाउन. अक्रॉस मतलब साइड में और डाउन का मतलब नीचे. ठीक है. आप पहले अक्रॉस में देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स लिखे हैं. फर्स्ट वर्ड लिखा है ड एम डैम. ड एम डैम. ठीक है. अब हम इस क्रॉस वर्ड में डैम की पिक्चर ढूंढेंगे कि कहाँ पर है. तो क्या फर्स्ट लाइन में डैम की पिक्चर है? नो. क्या सेकेंड लाइन में डैम की पिक्चर है? नो. क्या थर्ड लाइन में है डैम की पिक्चर? यस. हेयर इज द पिक्चर ऑफ
डैम, ये रही डैम की पिक्चर। ओके, तो अब आपको डैम लिखना है, कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे देखो एरो भी लिखा हुआ बना हुआ है, ठीक है, मतलब साइड में लिखना है, जहाँ डैम बना है उसके साइड में ही आप डैम लिखोगे। हेयर इज द स्पेलिंग, ड ए म, डैम। ओके, अब हम एक और वर्ड देखते हैं डाउन वाले में। डाउन मतलब नीचे, डाउन में लिखा है एन फैन। अब हम फैन की पिक्चर ढूंढेंगे, क्या फर्स्ट लाइन में फैन की पिक्चर है? यस, हियर इज द पिक्चर ऑफ फैन। अब मैं फैन यहाँ लिखूँ या नीचे लिखूँ, कहाँ लिखना होगा फैन मुझे? डाउन लिखा है ना यहाँ पे, कहाँ लिखना होगा, यहाँ या यहाँ? यहाँ नीचे, और यहाँ पे एरो भी बना हुआ है जिसका मतलब है आपको नीचे लिखना है, तो आप लिखोगे फ ए। अब ए यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया था तो ए नहीं लिखेंगे हम वापस, उसके नीचे लिख देंगे न, फ एन फैन। ओके, लाइक दिस ओनली यू हैव टू डू ऑल दीज वर्ड्स, ऐसे ही आपको ये सारे वर्ड्स रीड करने हैं, उस वर्ड का आपको पिक्चर ढूंढना है और उसके साइड में या फिर नीचे वो वर्ड लिखना है। अगर एरो साइड की तरह पॉइंट हो रहा है तो आपको साइड में लिखना है, और अगर एरो डाउन की तरफ पॉइंट हो रहा है तो आपको वो वर्ड डाउन में लिखना है। ईजी, ओके, सो दिस शीट नंबर 11, यू विल ट्राई इट योर सेल्फ। थैंक यू।